सो गाइस वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टीजी टॉक्स। और मैं आ गया हूँ आज एक नए एथलीट को मिलने उन्हीं के घर पे। और आज हमारे एथलीट है हमारे भाई, आ जाओ धर के रहो पास आ जाओ, ये हमारे रवि पवार भाई जो इसी टाइम में स्कूल टीचर हुआ करते थे, लेकिन अब ये स्कूल टीचर नहीं रहे, अब ये बन चुके हैं प्रोफेशनल एथलीट, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। आप देख सकते हैं हम सड़क में तो लोग यहाँ जाते रहेंगे, तो प्लीज़ आपको पता है हम इनके घर के सामने खड़े हुए हैं, इनके घर लेके जाना। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूँ। बहुत ही जल्दी इनकी शादी होने वाली है, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भैया जी। तो बहुत जल्दी होने वाली, तो मैं आप इस वीडियो के थ्रू आपको एक ही मैसेज दूंगा कि यार जब भी आप शादी करो तो एज अगर आप बॉडी बिल्डर, अगर आप एथलीट हो, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एज अ पार्टनर। बिकॉज अगर आपको प्यार हो गया तो बात अलग है, लेकिन इनकी अरेंज मैरिज है, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या सवाल करोगे, बिकॉज एक कंपैटिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है एक एथलीट के लिए। तो उनसे यही ढेर सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इनके घर चलते हैं, देखते हैं कैसे रहते हैं, और इनसे काफ़ी बातें करेंगे इनकी लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ एक टीचर से एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। सो लेट्स गो। कम 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 भाई आ जाओ। तो भाई कौन सी जगह? बेरसराय गाँव। हाँ जी भैया, बेरसराय गाँव में। अच्छा बेरसराय, तो ये वाला ये आपका कौन सा है? यहाँ से लेके एंड तक जो है हमारी जॉइंट फैमिली है। अच्छा। तो जो चाचा ताऊ हैं ऐसे लाइन से हम सबका घर, आप देखो सब एक जैसे ही टाइल्स हैं, ये पूरी हमारी जॉइंट फैमिली है। तो इनकी सारी जॉइंट फैमिली है, आप देख सकते हो सारे ऊपर, ये सारे जो नेक्स्ट चार फ्लैट से सारे आप ही के, ये सारे चार इन्हीं के हैं, ये सारे बड़े भाई ताऊ जी के लड़के। नमस्ते बड़े भाई। तो ये भी सारे आप ही के साथ पूरी जॉइंट फैमिली। वाह। सो गाइस ये है हमारा एक बेरसराय गांव, ये साउथ दिल्ली में पड़ता है, तो वहाँ पे हमारे भाई रहते हैं। और सुन तो भाई कब से रह रहे हो यहाँ पे आप? भाई हमारे तो मतलब कि दादा परदादा भी यहीं पे रह रहे हैं। अच्छा सुपर। सो गाइस ये आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत जॉइंट फैमिली है, बचपन इनका जैसे कहते हैं सब इनके सब यहीं लोग रहे, पैदा भी आप यहीं हो गए, सब कुछ पापा भी दादा भी सब लोग सब यहीं पर रहे हैं। बट हम श्योर काफ़ी पुश्तैनी घर हुआ है, तो हम श्योर बहुत ही मज़ा आने वाला है इस घर में इनको मिलके। ये उनकी मोम है राइट? आंटी। तो ये उनकी मोम है और वो उनकी भतीजी। वो भतीजी है, देखो सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं देख रहे हैं, अगर आप पीछे मुड़ेंगे तो ये उनका, ये आपके भतीजा। ये भतीजा है, बड़ा भतीजा। राइट ऑसम। तो पूरी फैमिली से मिल ली हम, आइए अब ऊपर चलते हैं इनके घर। सो ये है इनकी एंट्रेंस। वाओ लेट्स गो। तो हम पहुंच गए रवि भाई के घर में, ये इनका फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे आप सारे रहते हो। हाँ जी भैया, मेन मतलब कि हमारा मेन फैमिली फ्लोर है ये वाला। अच्छा ये फैमिली फ्लोर है। हाँ जी। तो ये इनका फैमिली फ्लोर है, सारे रहते हैं आपके सारे। इस घर में कौन कौन रहता है खोल के रख देते हैं, हम आएंगे, कैमरा वूमन आ रही है हमारी, आइए। तो मॉम डैड मैं भाई भाभी और उनके बच्चे। अच्छा। ये हमारा मेन फ्लोर है। अच्छा तो कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? सात लोग। तो यहाँ पे सात लोग, सात लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहीं पे मिले तो आपका आपका रहता है, आप ऊपर कहीं लग रहते हैं? थर्ड फ्लोर पे। अच्छा तो अब इनके घर चलते हैं, इनके ये कहाँ पे रहते हैं आप? वैसे ऊपर क्यों रहते हो भाई आप? भैया मैं एक्चुअली ना यहाँ पे नॉन वेज नहीं बनता इस फ्लोर पे, क्योंकि मंदिर भी है। अच्छा। तो मॉम ने बोला अपनी जो भी मील्स वील्स बनानी है तो अपने रूम में बनाओ, तो इन लोगों ने एक फ्लोर छोड़ के ऊपर दिया हुआ ताकि स्मेल भी ना आए इस वाले फ्लोर पे। अच्छा। तो इन लोगों ने थर्ड फ्लोर पे रूम दे रखा है कि ऊपर रहो, अपनी जो मील्स बनानी है, जो बर्तन है वहीं पे साफ करो, तो इसलिए घर वालों ने रूम ऊपर दे रखा मेरे को। क्या बात है, देख सकते हो यार ये डेडिकेशन, देख लो इनके पेरेंट्स को, सारे वेजिटेरियन है घर में सारे। हाँ जी, मैं और भाई है जो नॉन वेज खाते हैं, बाकी पूरी फैमिली। और आपके भाई भी बॉडी बिल्डर? हाँ जी भाई भी बॉडी बिल्डर है। उनके भाई भी बॉडी बिल्डर है, दोनों दो भाई हैं, दोनों बॉडी बिल्डर हैं। दूसरा भाई ने वेजिटेरियन, वो स्कूल की जॉब छोड़ के अब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन गए हैं घर में। बहुत से कोई लोग रिलेटिव्स वगैरह मिलने आते हैं, घर नहीं मिलता है तो हम बोल देते, मैंने मतलब बॉडी बिल्डर के घर पे जाना है, तो मतलब कि घर मिल जाता है, घर छोड़ के आ जाते हैं। हाँ जी घर छोड़ के आते हैं कि ये रहा उनके बॉडी बिल्डर के घर। तो देख सकते हो यार इनके, बिकॉज ये नॉन वेजिटेरियन है, चिकन फिश इनको खानी पड़ती है अपने प्रोफेशन के लिए, एथलीट के लिए, तो ये अलग से रह रहे हैं। अब इन्हीं के चल के देखते हैं कि ये कैसे रहते हैं अपने यहाँ। आइए लेट्स गो लेट्स गो। तो अब हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे। एक मिनट हम यहाँ आ गए, तो ये है सेकंड फ्लोर। खुलवाना? नहीं नहीं सेकंड, उनको हम तंग नहीं करेंगे। तो ये फ्लोर है इनके भाई और भाभी का, हम जा रहे हैं रवि भाई के फ्लोर पे जो थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। तो आपको तो कार्डियो की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी भाई। इसलिए मैं वो बाल्टी का यूज़ हो रहा है। तो अब आ गए हम थर्ड फ्लोर पे जहाँ पे हमारे रवि भाई रहते हो। तो यहाँ पे भाई क्या मतलब, ये सिर्फ रहने सोने के लिए जगह? हाँ जी भैया, सोने के लिए और सिर्फ मील्स बनाने के लिए। सोने के लिए और मील्स बनाने के लिए। सो
कमन अंदर आई तो पहले तो आपको सबसे पहले नजर जाएगी इनकी ट्रॉफीज़ पे। तो मेरे ख्याल से जैसे कहते हैं बॉडी बिल्डर का मोस्ट प्राइस पोजेशन होता है सारी ट्रॉफीज़ दिखाना कि ये मेरे अचीवमेंट्स हैं ना। वाह, सो ये इनकी इस साइड पे ट्रॉफी, पीछे एयर कंडीशन, सामने टीवी और यहाँ पे किचन। सो किचन पे तो किचन भाई क्या छुपा रखी है क्या? हाँ जी भैया, छोटी सी किचन है बस। अच्छा, पेंट्री टाइप है। हाँ जी। अच्छा, बस इसी पे। अच्छा, ये क्या इंडक्शन को कर रहे हैं? इसी पे नॉन, क्योंकि घर वालों ने बोला कि गैस वगैरह कुछ भी यूज नहीं होगा और ये बर्तन है, इन्हीं में मील्स बना के खुद ही धोना वोना करके फिर मैं यही रख देता हूँ। अच्छा, ये इंडक्शन कुकर है। इंडक्शन कुकर पे सब बनता है। और यहाँ पे है फ्रिज, इसमें बस आपको मील्स ही मिलेंगी। दिखाना बाहर, ये रात की मील है। अच्छा, चिकन और राइस। हाँ जी, चिकन और राइस और ठंडा पानी। हाँ जी। वाह, तो ऐसी मील्स बना के यहाँ रख देते हो? हाँ जी भैया। और इसको फिर गर्म करा और खा लिया? हाँ जी, इस पर इंडक्शन पे दोबारा गर्म करके फिर खा लेता हूँ भैया। सो गाइस, अब हम आ गए हैं रवि भाई के फ्लोर पे, विच इज़ द थर्ड फ्लोर, जहाँ पे रहते हैं। इनका किचन अलग किचन है, इनका अलग सब कुछ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग लाइफ स्टाइल। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूँ और रवि से हम ढेर सारी बातें करें शादी से रिलेटेड, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। सो गाइस, ये सवाल मेरे पास बहुत आता रहता है कि सर मैं मास्टरबेशन एडिक्ट हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मुझे लगता है मेरी सेक्स ड्राइव कम हो गई है, मैं क्या करूँ, विल आई बी एबल टू सेटिस्फाई अ वुमन। कई ऐसे सवाल हैं, स्पेशली यंगस्टर में 18-19 साल के लड़के जो ये सवाल करते हैं। सो गाइज, आई गॉट समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू। सो मेरे पास है इंडिया का सबसे अफेक्टिव टेस्ट बूस्टर मसल अजाइलम का, स्पेशली ये उन लड़कों के लिए जो मास्टरबेशन एडिक्ट बन चुके हैं और जिनको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, मेरी सेक्स ड्राइव खत्म होगी। सो अगर आप इसको ट्राई करेंगे, ट्रस्ट मी, 10-15 डेज आपको रिजल्ट्स अपने ज़रूर नज़र आ जाएंगे। और आई एम टेलिंग यू, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, इसको जिसे कहते हैं ना आराम से बीट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है दिमाग की प्रॉब्लम है। तो आई एम श्योर आप एक बार इसको ट्राई करना, आपको समझ आ जाएगा और देन यू विल बी थैंकिंग मी आफ्टर 10-15 डेज। आप मुझे थैंक करोगे इस चीज़ को लेके। लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अमेजोन पे अवेलेबल है, ट्राई इट आउट। अब बात करते हैं हमारे रवि भाई से। सो रवि भाई, आपकी तो हो रही है शादी। हाँ जी भैया। अब बॉडी बिल्डर की शादी जो होती है, आई एम श्योर उस पर तो, ये तो अरेंज मैरिज आपने मुझे बताया। अब अरेंज मैरिज में आपने वो सारे सवाल करे, वो आपके बारे में जानती है कि आप ऐसे रहते हो, ये खाना पीना? मैंने तभी बताया था अपने बारे में, जब फैमिली ने बोला कि अब हम लोग लड़की देख रहे हैं आपकी शादी के लिए, तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने मिलवाया मुझे, हम लोगों ने बैठ के बात की, मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया कि देखो आई एम अ फुल टाइम बॉडी बिल्डर, ठीक है, आई एम अ कोच ऑल्सो। तो मैंने कहा मेरे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, मैं आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ इंडिया भी शोज़ खेलने जाता हूँ, मेरी फ़ीमेल क्लाइंट्स भी हैं, उनके मैसेजेस भी आते हैं, ठीक है, फिर फीमेल क्लाइंट्स को मुझे हैंडल भी करना होता है जिम में। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी प्रोफेशन जो लाइफ है कभी भी उसका और पर्सनल लाइफ में डिस्प्यूट हो इन चीज़ों की वजह से। तो मैंने सारी चीज़ें स्टार्टिंग में क्लियर की कि देखो आई हैव लाइक सो मैनी फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी लड़कियों के फोटोज पे लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो मैंने कहा कि ये चीज़ों पर कभी प्रॉब्लम ना हो तो बेटर कि मैं ही पहले ये चीज़ें बता दूँ उनको। क्या बोली वो? उन्होंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स योर प्रोफेशन। अब ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को ट्रेन कर रहे हो तो ज़रूरी तो नहीं सारे लड़के ही होंगे, लड़कियाँ भी आती हैं जिम में तो वो भी ट्रेनिंग लेंगी। और इवन इंस्टाग्राम तो चलो एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कोई भी कमेंट या मैसेज कर सकता है फोटोग्राफ पे। उन्होंने कहा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे को इन चीज़ों से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, बिकॉज होता क्या, कल को पता लगे कि कोई लड़की मैसेज कर रही है, कोई लड़की इनसिक्योर हो जाए इस चीज़ को लेके। सो बहुत आपने सब कुछ क्लियर कर लिया, राइट? इज देयर ऑन माय इंस्टाग्राम आल्सो, हम लोगों ने इंस्टाग्राम हैंडल चेंज किया, मतलब कि हम लोग दोनों इंस्टाग्राम पे भी फ्रेंड्स हैं। अच्छा, हाँ, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि उन्होंने मेरे को समझा कि भाई मेरे को इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रोफेशन है। वाह, और मैंने ऐसे कई स्टोरीज भी करी हैं बॉडी बिल्डिंग को लेके, लेकिन मैंने तब स्टोरीज करी हैं जब वो उनकी वाइफ के साथ करी हैं कि वो कितना सपोर्ट करती हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा कि वो इनकी वाइफ बनने जा रही हैं और तुमने उनको सब कुछ अपने बारे में सब कुछ बता दिया, राइट? अब बात करते हैं तुम्हारे प्रोफेशन की, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने इंटरव्यू करा था आज 1.5-2 साल पहले, तब तो तुम थे एक स्कूल टीचर, वहाँ से तुमने सब जानने लगे कि स्कूल टीचर बिकमिंग बॉडी बिल्डर। अब स्कूल टीचर का क्या सीन है, अब तो तुम प्रोफेशनल एथलीट लग रहे हो मुझे। भैया देखो, स्कूल को और इस प्रोफेशन को हैंडल करना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, दोनों ही चीज़ें मैं जगल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि स्कूल की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उनको बॉडी बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि दे आर पेइंग मी। फिर वहाँ पे भी मैं कितना बार उनको एक्सक्यूज़ दूँ, मेरा कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन का जब प्रेप वीक आता है पूरा, एक एक वीक वो कैसे ऑफ देंगे, बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह भी आते थे तो मेरे को खुद गिल्ट फील होता था कि यार बच्चों के एग्ज़ाम है या कुछ भी स्कूल का काम है, मैं छुट्टी लेके बैठा हूँ ऐसी सिचुएशंस में। और फिर कहीं ना कहीं मैं बॉडी बिल्डिंग भी ढंग से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जॉब करके इंसान चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो बहुत थक जाता है। तो फिर मैंने फाइनली ये प्लान किया कि बेटर कि एक प्रोफेशन चूज़ कर लो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, वो चाहे वो स्कूल लाइफ हो।
तो फिर मैंने ये सोचा कि यार बॉडी बिल्डिंग में इतनी जर्नी निकाली है मैंने 2-2.5 साल की, इतने मेडल्स अचीव किए, इतना फेम मिला है, तो मैं अब स्टेप पीछे नहीं ले सकता। तो फिर मैंने प्लान किया कि इट्स बेटर कि मैं एक फुल टाइम बॉडी बिल्डर ही बन जाऊँ। अब तो फुल टाइम बॉडी बिल्डर, फुल टाइम बॉडी बिल्डर, यू कैन से दैट आई एम फुल टाइम बॉडी बिल्डर और आई ट्रेन पीपल ऑल्सो नाउ। तो लोग जो कहते हैं, जो सवाल होते होंगे तुम्हारे पास भी कि सर क्या बॉडी बिल्डिंग से हम पैसे कमा सकते हैं, बिकॉज पेरेंट्स तो ये कहते होंगे ना भाई टीचर बन जा, गवर्नमेंट जॉब कर ले, MBA कर ले, उसी से जॉब पैसे कमा सकते हो। तुम्हारा क्या मानना, तुम तो उल्टा हो गया राइट तुम्हारे साथ भैया। जब मैं जॉब कर रहा था फिर बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, मैंने फैमिली को बोला कि हम प्लानिंग कि मैं स्विच कर लूँ अपने प्रोफेशन को, तो फैमिली ने बोला कि देख लो आप जो करना चाहते हो, आप बहुत मैच्योर हो, ठीक है आप अपना डिसीजन खुद लो, कल को आप हमें ये मत बोलना कि अब मैं फाइनेंशियली वीक हो गया हूँ तो मेरी हेल्प करो, पैसे दो। स्टार्टिंग से हमारी फैमिली में यही रहा कि आपको जो भी करना आप अपने दम पे करो। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में नहीं छोड़ा, मैं स्टार्टिंग में जॉब भी करता रहा, बॉडी बिल्डिंग भी करता रहा, फिर मेरे क्लाइंट्स आए, क्लाइंटेज मेरी थोड़ी अच्छी हुई, फिर मैं जहाँ गोल्स में जाता हूँ वहाँ पर उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, फिर उन्होंने बोला आपकी जो भी क्लाइंटेज आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हो। फिर धीरे धीरे जब मैंने पूरा मेरा ये प्रोफेशन सेट हो गया तब मेरे को लगा कि अब मैं अपना स्कूल लाइफ जो जॉब है उसको छोड़ के अपना अर्निंग सोर्स एक बना सकता हूँ, तब मैंने स्विच किया भैया, नहीं तो पहले तो स्टार्टिंग में मैं दोनों चीज़ों को हैंडल कर रहा था। तो आप सुन रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको करियर बनाना है तो साथ शुरू के 6 महीने 1 साल एक बैकअप होना बहुत जरूरी है जो आपको बॉडी बिल्डिंग में भी सपोर्ट कर सके, आपकी डाइट सब कुछ राइट। भैया बॉडी बिल्डिंग इज अ वेरी एक्सपेंसिव गेम, आप अगर प्रोफेशनली नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको 10-15 हज़ार रुपये चाहिए हर महीने अपनी डाइट के लिए, सप्लीमेंट के लिए। तो मैं एक प्रोफेशन छोड़ के बैठ जाऊँ घर पे, बोलूँ कि मैं जिम करूँगा, मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, तो घर वाले 1 महीना पैसे दे देंगे, 2 महीने दे देंगे, घर वाले बोलेंगे भाई ये इस एज में क्या प्रोफेशन पकड़ा हुआ है कि आप अर्न कर नहीं रहे हो और हमसे हर महीने पैसे ले जा रहे हो, घर कह रहे हो जिम कर रहे हो सिर्फ। हाँ घर वालों को तो यही लगता है कि भाई सुबह शाम जिम कर रहे हो हमसे पैसे ले जा रहे हो, ये कौन सा प्रोफेशन है। तो मैंने यही प्लान किया कि पहले मैं अपना दूसरा प्रोफेशन सेट कर लूँ तो मैं उसी में स्विच होऊंगा। वाह, तो मुझे एक बात बताओ, अब तो तुमने प्रोफेशन छोड़ दिया, हाँ जी, अब तुम उस लेवल पे आ गए, उस पोजीशन में आ गए कि तुम स्कूल टीचर से ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। एग्जैक्टली भैया, लोगों को ये लगता है कि बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ठीक है आप नॉलेजेबल हो, आप लोगों को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो अपनी बातों से, सो बहुत पैसा भैया बॉडी बिल्डिंग में भी, ना करते करते भी मैं 60-70 हज़ार रुपये भी बहुत ईजिली कमा लेता हूँ। और स्कूल में मेरा 30,000 था वहाँ पे सैलरी, और मैं 8-8, 9-9 घंटे वहाँ पे खड़े रहता था, अब हार्डली 3 से 4 मैं क्लाइंट एक दिन में हैंडल करता हूँ। और देखो वहाँ इतना धूप में रहना पड़ता था, यहाँ अपने आराम से AC में क्लाइंट्स को हैंडल किया, पर्सनल ट्रेनिंग दी, ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं, हैंडल किया, 4-5 घंटे में मैं फ्री हो जाता हूँ, और अर्निंग सोर्स भी स्कूल से ज़्यादा डबल हो गया मेरा। तो आपके घंटे भी कम हो गए, 8 घंटे से 4 घंटे हो गए, और इनकम भी डबल हो गई। एग्जैक्टली, और भैया पहले क्या था, मतलब कि मेरा फिक्स टाइम था, इतने बजे जाना ही जाना है। अब चलो एक्चुअली मैं जैसे मेरी क्लास है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को शाम को करनी है या स्किप करनी है, तो मैं क्लाइंट्स को मैसेज डाल देता हूँ कि भाई आई एम बिजी टुडे, विल प्लान कल का कर लेंगे हमारा जो भी सेशन है, तो क्लाइंट्स भी हाँ भर देते हैं। स्कूल में तो ये कि चाहे आपका फंक्शन हो, आपकी तबीयत खराब हो, स्कूल तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम, हाजिरी लगानी, हाँ जी वो अटेंडेंस आप जो बोल रहे हैं हाजिरी लगानी लगानी होती है, जॉब तो ऐसे ही होती है। एग्जैक्टली, चाहे वो 100 रुपये की जॉब हो चाहे 1 करोड़ की जॉब, को तो जॉब। तो लेकिन अब बात करते हैं तुम्हारा फ्यूचर, अब तो तुम्हारी जैसे तुम्हारी जो टू बी वाइफ है, तुमने सारी बातें उन्हें बता दी, तो उनका क्या मानना है एज अ बॉडी बिल्डर, क्योंकि वो देखो वो क्या करती है, शी इज अ टीचर। अच्छा, ढूंढी भी टीचर ही है, मतलब कि घर वालों ने ढूंढी, सो वो भी टीचर, तो टीचर का क्या मानना है तुम्हारे बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन, क्योंकि उनको तो बॉडी बिल्डिंग का भी नहीं पता होगा राइट, तो तुमने उन्हें क्या समझाया कि तुम क्या क्या करते हो, कैसे कैसे पैसे, बिकॉज लोगों को लगता है बॉडी बिल्डिंग पैसे कैसे कमाते हैं, तो तुम्हें प्रॉब्लम हुई समझाने में सब बताने में? स्टार्टिंग में तो उनको लगा कि मैं बॉडी बिल्डिंग साइड वाइज लेके चल रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन अभी भी वही है, तो मैंने बताया कि इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर मैंने अब छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है सेम प्रोफेशन था हमारा, तो प्रॉब्लम होती है, दोनों चीज़ें इंसान नहीं हैंडल कर सकता है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं है, जैसा लोगों को लगता है ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं, बहुत बार क्लाइंट्स कम भी हो जाते हैं, बहुत बार क्लाइंट्स ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि क्लाइंट्स नहीं है, अर्निंग सोर्स जीरो है। मैंने कहा ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, मैंने कहा बहुत अच्छा जो मेरा स्कूल लाइफ चल रहा था उससे डबल मैं कमाता ही कमाता हूँ, चाहे वो कोई भी मंथ हो। इवन लॉकडाउन में भी मेरे पास क्लाइंट्स थे, इतने सारे नहीं थे लेकिन जो होम वर्कआउट कर रहे थे मेरे पास लॉकडाउन में भी क्लाइंट्स थे भैया। और उल्टा स्कूल की जॉब से तुम्हें कुछ नहीं मिला, स्कूल से तो आपको सैलरी मिल ही नहीं सकती है भैया। तो लॉकडाउन में तुम्हें फिटनेस सपोर्ट कर रही थी, स्कूल सपोर्ट नहीं है। और लोगों को लगता है कि फिटनेस लाइन में पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अगर आप नॉलेजेबल हो ठीक है तो यू कैन अर्न। आप इस मेरे बहुत से ऐसे भी ट्रेनर है जो मुझसे भी ज़्यादा कमाते हैं। तो जो लड़के तुम्हें देख रहे हैं रवि, हाँ जी,
वो फिटनेस इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हैं, उन्हें लगता है, उनके पेरेंट्स से सुनने को मिलता है कि यार पैसा नहीं है, क्या कर रहा है, क्या जिम में जाके टाइम वेस्ट कर रहा है, तुम उन्हें क्या बोलना चाहोगे कि क्या तुम्हारा मैसेज है उनको? देखो भैया, किसी के भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचते हैं। अगर हर एक इंसान बॉडी बिल्डिंग में या फिटनेस लाइन में पैसे कमा रहा होता तो सबके पेरेंट्स खुशी खुशी भेजते। आप कभी भी देखना, किसी के भी पेरेंट्स ये नहीं बोलेंगे कि भाई हम चाहते हैं हमारा बच्चा बॉडी बिल्डर बने। इवन जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे बॉडी बिल्डिंग करें, क्योंकि क्योंकि इसमें बहुत रेयर होता है कि बिया कि कोई सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, क्योंकि अब जो एक बंदा बहुत साल से कम्पीट करे जा रहा है, न्यू एथलीट आएगा वो उनको बीट नहीं कर पाता है। ठीक है, और फिर भैया स्टार्टिंग में कितना पैसा लगता है आप ये देखो। एक आप कोई भी चाहे एक छोटा इवेंट भी खेलोगे तो आपको साल भर की उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसमें इतने पैसे लगते हैं। तो जब तक आपका एक अर्निंग सोर्स नहीं होगा तो आप कैसे इस प्रोफेशन में जा सकते हो? तो तुम्हें क्या मैसेज दोगे लड़कों? देखो, मैं तो भैया ये मैसेज दूंगा कि देखो, किसी के भी पेरेंट्स आपको हर महीने इतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे कि वो आपको एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनाए। अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है तो मेक श्योर आपका अर्निंग सोर्स हो, चाहे वो आपका कोई जॉब कर रहे हो या कोई छोटा मोटा बिजनेस है या कुछ भी हो, आपका अर्निंग सोर्स होना चाहिए। क्योंकि समहाउ आपको सप्लीमेंट्स लेने ही लेने हैं, डाइट लेना ही लेना है। अगर आप एक बड़े स्टेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कोच भी चाहिए, तो कोच तो आपको फ्री में गाइड करेगा नहीं, कहीं ना कहीं देखो इन दी एंड आपको बॉडी बिल्डिंग करना है भैया तो पैसा चाहिए आपको। तो तुमने बहुत बात करी कोचेस की, तुमने बात करी पैसों की, तुमने बात करी जॉब की। हाँ जी, तो तुम कहना चाह रहे हो कि जैसे तुमने भी टीचर की जॉब करी, एग्जैक्टली तुम सपोर्ट करते हो, तुम प्रोफेशनल जब तुम बने कितना साल तुम्हें लगे प्रोफेशनल बनने में? ऑलमोस्ट 2.5 ईयर हो गया भैया मेरे को। 2.5 साल तुम्हें प्रोफेशनल बनने में लगे, तो तुमने कितना पैसा लगाया अपने ऊपर? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट में जानना चाह रहा हूँ ताकि मोटा मोटा लोगों को पता लग जाए। एग्जैक्टली, बिफोर यू टर्न्ड प्रो। भैया देखो, जब मैंने जॉब क्विट करने का प्लान किया तो मेरे अकाउंट में 6-7 लाख रुपए थे, जो भी मैंने 8-10 साल जॉब की। तो ना करते करते भी अगर मैं अपनी साइड की अर्निंग हटा दूं जो मैंने अर्न किया है, तो 6-7 लाख रुपए तो मैं लगा ही चुका हूं भैया 2 साल में। हाँ जी, तो 2 साल में तुम 6-7 लाख रुपए तुमने अपने पे लगाया। हाँ जी भैया, और उसका तुम्हें रिटर्न ये मिला है कि तुम अब उससे डबल पैसे कमा रहे हो जो पहले स्कूल। देखो, स्कूल के जब मैं जॉब कर रहा था तो हार्डली लोगों को मेरे बारे में पता था, अब मेरे को फेम भी मिल रहा है। ठीक है, मेरा अर्निंग सोर्स भी डबल हो गया है। ठीक है, और मैं मतलब कि मेंटली इतना प्रेशर भी नहीं रहता है, अब मैं एक सेल्फ मेड, मैं अपना खुद का बॉस हूँ। मेरे को क्लास लेनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्लाइंट को बोल देता हूँ शाम की कर लो। अब मैं अपना खुद का बॉस हूँ भैया। आत्मनिर्भर जिसको कहते हैं हमारे मोदी जी, आत्मनिर्भर हैं जी। तो आप देख सकते हो, आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाएगा कि एक ऐसे भी लोग हैं जो उनके पेरेंट्स बहुत सपोर्ट, ये अपने बन पे अपने दम पे बने हैं यहाँ पे। इनको ये नहीं था कि पहले पेरेंट्स से पैसे ले लिए फिर करूँ ना करूँ, राइट? तो अगर आपको भी इस इंडस्ट्री में घुसना है ना, पहले 1-2 साल अपनी अर्निंग का सोर्स बनाइए, वो अर्निंग इतनी कर लीजिए कि बिकॉज उन्होंने बताया 6 लाख रुपए आपके लगेंगे ही लगेंगे इस पे, और डिपेंड करते हैं, किसी के 3 लगते हैं, किसी के 4 लगते हैं, लेकिन आप फिर अब इस पोजीशन में होंगे कि आप पैसे डबल कमा सकते हो। मुझे याद है जब हमने 2 साल पहले इंटरव्यू करा था, तब तुम एक से कहते ना आई वोंट कॉल इट, मतलब तुम इतने खुश नहीं थे कि मतलब देखो, तब भी मैं स्कूल से बड़ी मुश्किल से ऑफ लेके आया हुआ था कि मेरा इंटरव्यू है। उससे लाइफ बदली तुम्हारी उस इंटरव्यू से? भैया बहुत ज़्यादा बदली। देखो, मेरे को फेम मिला। ठीक है, आप मतलब कि ऑलमोस्ट किसी भी स्टेट में कहीं ना कहीं जाते हैं, स्टोरी डाल देता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो एक ना एक कोई मिल ही जाता है कि भैया मैं यहाँ पे रहता हूँ, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। बहुत बार मॉल्स में जाते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, तो कोई ना कोई भाई मिल ही जाता है जान पहचान का। तो फेम मिला भैया जब आपके साथ ही मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। मैंने सोशल नेटवर्किंग ही तभी स्टार्ट की थी। अभी मेरे 50,000 से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। तो तुम्हें उस वीडियो से टीजी टॉक बहुत ज़्यादा भैया, इतनी इतनी ब्रांड्स आई मेरे पास। अगर आपसे जब मैं कनेक्ट हुआ उसके बाद मेरे पास 6-7 ब्रांड्स आई। अभी अगर ये सब ब्रांड्स नहीं आ रही होती तो मेरा ये खर्चा भी बढ़ता। अभी मेरा देखो क्लोथिंग ब्रांड भी है मेरे पास, पीनट बटर भी है, राइस केक भी है, सप्लीमेंट भी है पूरा। तो कहीं ना कहीं ये पैसे मेरे बच ही रहे हैं। आप देख सकते हो यार कि कहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। जब मैंने रवि भाई का इंटरव्यू करा था, मुझे किसी ने बताया था स्कूल टीचर, इनकी बॉडी बहुत अच्छी है। मुझे क्या पता था कि वो वीडियो इनकी लाइफ ही बदल देगा, और आज ये यहाँ बैठे हुए हैं स्कूल को पीछे करके अपनी मर्जी से, और उससे डबल पैसे कमा रहे हैं अपनी मर्जी से, कम टाइम में डबल पैसे कमा रहे हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो पेरेंट्स का क्या मानना है तुम्हारे को लेके, वो जब ये देखते हैं सब कुछ? देखो भैया, पेरेंट्स का तो स्टार्टिंग से यही था कि चाहे आप जॉब करो मत करो, आपका अर्निंग सोर्स होना चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स ने स्टार्टिंग से एक ही चीज़ सिखाई है कि भाई आप कुछ भी करो अपने बलबूते पर करो। ठीक है, जब मैं जॉब से मैंने बोला मॉम डैड को कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं स्कूल जॉब छोड़ दूँ, बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ, पेरेंट्स ने बोला करो आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, लेकिन हमारे पास मत आना कि मेरी सैलरी नहीं आ रही है, मेरे पास अर्निंग सोर्स नहीं है। बोला आप जब डिसीजन ले सकते हो तो आप अर्न भी कर सकते हो,
तो मॉम डैड ने बोला ठीक है आप छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे कल से छोड़ दो, हमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अर्निंग सोर्स आप अपना माइंड सेट करके चलना कि कहाँ से करना आपने। हमारे पास मत आना कि पैसे नहीं है। हाँ, उन्होंने बोला कि देखो हमने आपको पढ़ा दिया लिखा दिया इतना बड़ा कर दिया, अब इस एज में भी अगर हम आपको पैसे देंगे तो क्या फ़ायदा फिर पढ़ाने लिखाने का। मैंने कहा मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ, ठीक है, कि मैं स्विच करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला हमारी तरफ से परमिशन है आपको कि आप स्विच कर लो, लेकिन हमारी तरफ से फाइनेंशियली हेल्प कुछ नहीं मिलेगी। तो अब तुम्हारी जाते जाते बताओ कि कितने एक्साइटेड हो शादी को लेके, लाइफ कैसे बदलने वाली है ये तो बताओ। बहुत ज़्यादा भी है, इतने साल जॉब की, फिर इस प्रोफेशन में रहे, कहीं ना कहीं भी देखो जब आप कंपीट करते हो तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। कोई होना चाहिए आपके पास भी जो आपको सपोर्ट करे कि यार कुछ दिन बचे हैं, थोड़ा दिन और हार्डवर्क कर लो। अब चलो मैंने उन्हें बताया कि मैं भी इन फ्यूचर मतलब कंपीट करूँगा, तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं यार, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है, जो भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। वो समझती हैं, आई एम श्योर तुमने बातें बताई उनको कि लास्ट के टाइम पे क्या हो जाता है, एक हफ्ते में दस, लास्ट का जो वीक होता है कैसे बताया है? देखो लास्ट के डेज में हम लोग जीरो कार्ब्स पे चले जाते हैं, सॉल्ट इनटेक भी हमारा बंद हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि उन दिनों में हमारे बीच में कोई भी फाइट हो या कुछ। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है आप करो, मैं आपके साथ हूँ। बड़ा सपोर्टिव टू बी वाइफ, ऐसे लगता है कि यार ऐसे तो आई एम श्योर। तो गाइज अब आप समझ गए हो कि आपने कई लेसन्स लिए होंगे रवि भाई से, ए सपोर्टिव वाइफ होनी बहुत जरूरी है। अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो बहुत वैलिड क्वेश्चंस पूछें इनको, आपको किसी को बताना बहुत ज़रूरी है आपका क्या लाइफ स्टाइल, अदरवाइज अगर आपने उनको धोखे में रखा और शादी के बाद उन्हें आपका लाइफ स्टाइल देखा, शिल बी इन कम्प्लीट शॉक, उन्हें लगा कि आपने तो उनके साथ धोखा कर दिया है। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट एन ईजी गेम, ये बहुत चीज़ें आपसे करवाती है, चाहे वो आपकी डाइट हो, सप्लीमेंटेशन, एक्सट्रीम चीज़ें हैं, राइट। आप लास्ट के एक हफ्ते में क्रैंकी हो जाते हो, आपको लोग अच्छे नहीं लगते, आपको शोर अच्छा नहीं लगता, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भी डिफरेंट है ये, लेकिन लोगों को नहीं पता, वो जो लड़की है लड़के को तो खास कर नहीं पता, तो ये बताना बहुत जरूरी। दूसरी बात करियर की बात जो इन्होंने बताई कि यार आप भी स्कूल टीचर नहीं, आप भी एक प्रोफेशनल एथलीट हो गए, बॉडी बिल्डर हो गए, डबल पैसा कमा रहे हैं, जहाँ पहले 8 घंटे में 30,000 कमाते थे, अभी 4 घंटे में 60,000 रुपये कमा रहे हैं। सो गाइज दैट्स हाउ बॉडी बिल्डिंग लाइफ कैन चेंज, राइट। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यार मैं किसी के काम आया, कि एक वीडियो सीरियसली, मतलब मुझे अच्छा लगा कि यार एक छोटा सा पार्ट मैंने रवि की लाइफ में प्ले करा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी हम्बलिंग, बहुत अच्छा लगता है कि यार आपने ऐसा कर दिया कि किसी की लाइफ बदल गई है। सो दैट्स समथिंग, मेरा इस वीडियो से तो यही टेक अवे है, आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल जो रवि कर रहे हैं। तो मॉम डैड एक बात बताओ, पहले मैं एक स्कूल टीचर था, अब मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन गया हूँ, फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो अब आप दोनों को कैसा लगता है, मतलब मेरा प्रोफेशन, आप लोग खुश हो इस चीज़ से या नहीं हो? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब स्कूल टीचर की जॉब में मतलब तेरे को ज़्यादा परेशानी होती थी, ज़्यादा टाइम वहाँ पे जाता था, अब मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मेरा बच्चा इतनी आगे पहुँच गया, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। और पापा जी आपको? मैं बेटे पहले भी खुश था, स्कूल जॉब से काजा दे सकता, और अब जो है आप फेमस जो हो गए पूरी मतलब इंडिया में आपका नाम है, मैं उससे बड़ा खुश हूँ।